हेलो वेलकम सो माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस हिस्ट्री चैनल। तो इस पर हम इंटर का जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी पाठों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आता रहता हूं। सारे पाठ का क्रम बाय क्रम से आपका मिलता रहेगा। तो आज आपका पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन मैंने दिया है। तो अब मैं आज 50 से लेकर के आगे के क्वेश्चन को यहाँ पर देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख। तो 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, जो बड़ा क्वेश्चन होगा उसको हम पढ़ेंगे नहीं, वैसे आपको देख लेना है और आपको विकल्प बता देंगे अपना कर लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न होगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 51। पुंकेसर कितने भाग में बटा होता है? तो पुंकेसर कितने भाग में बटा होता है, इसका आंसर आपका होगा 2। कितना होगा? 2, ठीक। उसके बाद आपका 52 नंबर क्वेश्चन है, लघु बीजाणु धानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? तो सबसे आंतरिक परत आपकी टेपीटम है, टेपीटम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर क्वेश्चन। तो 53 नंबर क्वेश्चन में पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं पुमंग, क्या कहते हैं? पुमंग। उसके बाद आपका क्वेश्चन है अगला नंबर, पुष्प के मादा जनन अंग को कहते हैं, पुष्प के मादा जनन अंग को जयांग कहते हैं, ठीक। उसके बाद अगले क्वेश्चन में है पराकर किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो पराकर किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये आपका नर युग्म को भी का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पराकर का बाह्य चूल किससे बनता है? तो ए होता है स्पोरोपोलेलिन, मतलब ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है, इसका प्रश्न का आंसर है आपका स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा होता है? तो इनमें से कोई भी भाग स्त्री केसर नहीं है, ये ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है स्वपरागण की निम्न में से कौन सा पादप रोकता है? तो ये होता है एरंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है? तो ये आपका युग्मज, मतलब जायगोट की रचना होती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 60 में आपका पूरा इतना बड़ा प्रश्न मैं पढ़ूंगा, टाइम लगेगा, पढ़ सकते हैं, सामने आपका है, ऑप्शन इसमें आपका होगा बी। और 61 नंबर छोटा क्वेश्चन है, निम्न से आभासी फल कौन सा है? तो आभासी फल आपका होता है स्ट्रॉबेरी, अखरोट, सेब, सभी आभासी फल हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये असंग जनन कहते हैं इसे। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तो ये है आपका कीटों द्वारा परागण को कहते हैं एंटमोफिली, एंटमोफिली ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुष्पी पादप में नरजनन अंग इकाई को कहते हैं पुंकेसर, पुंकेसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक पुष्पी पादप में मादा जनन अंग इकाई को कहते हैं, तो मादा जनन अंग इकाई को क्या कहते हैं? ये होता है स्त्री केसर, क्या होता है? स्त्री केसर। छाछट परागण के बाहचोल में सुस्पष्ट द्वारक रंध्र को कहते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी होता है, जनन छिद्र। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम बता देते हैं, बीजाणु जनन ऊतक, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं इतना बड़ा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि भी क्वेश्चन लंबा है और इसका क्वेश्चन में आंसर है ए, लघु बीजाणु धानी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में जली घास कौन सी है? तो जली घास जेस्ट्रा है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नरपुष्प का भाग है? तो ये पुमंग पहले ही बताया गया। अगला क्वेश्चन का भाग है मादा पुष्प में से कौन सा भाग है? तो ये होता है जयांग। ये भी मिल गया आपका एक बार फिर। पराग थैले किसमें पाए जाते हैं? तो ये पराग कोश में पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन का आंसर एनाटोपस बीजांड कहाँ होता है, मतलब कैसा होता है? तो उल्टा होता है। और ये बड़ा सा क्वेश्चन का आंसर आपके सामने मैं दे देता हूँ, ये होगा हेयर को गैमी, क्योंकि मुश्किल से होता है ये, इसे कहते हैं। अगले क्वेश्चन जो छोटा है, इसका आंसर भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? तो ये गुरु बीजाणु से होती है। अगले क्वेश्चन ये आपका टैपिटम है इसमें। उसके बाद अगले क्वेश्चन का आंसर इसमें आपका सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? तो ये चमगादड़ द्वारा होता है। और अगला आपका क्वेश्चन है इनमें कौन सा द्विगुणित है? तो इसमें द्वितीयक केंद्रक द्विगुणित है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन पैरोगामी में प्रणाली का किससे होकर भ्रूणपोष तक पहुँचता है? ये माइक्रोपाइलोमा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन का आंसर आवृतबीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्र परिवर्तित हो जाते हैं भ्रूणपोष में। 81 नंबर क्वेश्चन है ये परागकोष भित्ति में किसमें मतलब इनमें से कौन सा नहीं होता है? तो इसमें आपका इंटेगुमेंट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है भ्रूण कोष में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो ये आपका गुरु बीजाणु जनन कोष का नहीं होता है। परिभ्रूण पोष यानी पेरिस्पर्म का बचा हुआ भाग, पेरिस्पर्म का बचा हुआ भाग जो होता है वो होता है बीजांड का यानी न्यूक्लियस। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है इनमें से किसमें रिल नहीं पाया जाता है? तो इसमें से रिल नहीं आम में नहीं पाया जाता है। अगले क्वेश्चन परागकण किसकी विशेषता है? वो आपकी आवृतबीजी तथा अनावृतबीजी है। और परागण से प्राप्त संतत दर्शाता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है उच्च कोटि की वेरिएबिलिटी तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका। अगला क्वेश्चन है आपका इस पराकर तभी होता है जब कोई पराकर वर्तकान पर आते हैं, वर्तकाग्र पर आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका एनिमोफिली में पराकर किसके द्वारा होता है? तो आपको पता है, आप पहले एक बार हो गया जिसमें वायु द्वारा होता है। एंटमोफिली में पराकर किसके द्वारा होता है? हो गया। यदि किसी पुष्प के परागकोष और वृत्तकान पर एक साथ परिपक्व हो जाए तो इन्हें कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम होमोगैमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पर पराग लाभदायक है क्योंकि इसके परिणाम हैं, इसके परिणाम आपकी शेष संतत 14। और पराकर का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वृत्तकान पर जमा होने को कहते हैं, वो आपको जेटोनोमोगैमी कहते हैं। उसके बाद 93 है आपका, ये एक पढ़ लीजिए क्वेश्चन, इसका आंसर हम बता देते हैं, इसमें बी होगा। इसको भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसका आंसर हम बता देते हैं, इसमें आपका प्रोटोगैनी होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ देते हैं, किसी पर मतलब किस पर किसी पर पराकर का विशिष्ट उदाहरण है? तो इसमें आपका मक्का है। पराकर में लीवर में मैकेनिज्म किस में पाया जाता है? तो लीवर मैकेनिज्म में आपका पाया जाता है सॉल्विया में। और 97 में क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आपका पेस्टिल होगा, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और 98 में आपका स्वपराग पुष्प को होना चाहिए द्विलिंगी होना चाहिए। पराग कोष क्या दर्शाता है? पराग कोष आपका मतलब स्पोरोगैनियम दर्शाता है। और आपका विकास से पराकर को पोषण किससे मिलता है? तो ये आपका टैपटम से मिलता है। पराकर हरा नहीं होता है क्योंकि इसमें हरित लवक नहीं होते हैं। यदि किसी पराकोष में 4 स्पोरोजेनियस होते हैं तो पराकर की संख्या होगी, तो पराकर की संख्या 16 होगी, 4 चौका 16 कहते नहीं। और किसी पराकर में जैसे साइप्रस प्लॉडी को संख्या होती है तो उसमें आपकी एन
सी मतलब ऑप्शन सही है। और वराकर एम्ब्रियो से जिस प्रकार संबंधित उसी प्रकार आपका नर गैमेटोफाइट तथा मादा गैमेटोफाइट संबंधित होते हैं। 1,000 का वराकर के कितने पराग मात्रकोश का निर्माण होता है? वो आपका 250 होता है। इसी पराकोष में पोलन सैक एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल की संख्या कितनी होती है? तो आपका द्विगुणित होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पराकर के साथ पराग नालिका मतलब प्रदर्शित क्या करता है? तो प्रदर्शित करता है आपका नर स्पोरोफाइट। और उसके बाद आपका एक किसी परिपक्व पराकर में कितने न्यूक्लियाई होते हैं? तो आपका वो होते हैं 2 न्यूक्लियाई होते हैं। पराकर में पीले वर्ण के होते हैं क्योंकि इसमें मौजूद होते हैं, इसमें मौजूद आपका फ्लेवोनॉइड्स एंड का कैरोटीनॉइड्स होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए। 110 पराकर का कोशिका द्रव किसमें धनी होता है? तो कोशिका द्रव आपका वसा और स्टार्च में धनी होता है। और 111वें पराकर या स्वपराकर से अच्छा होता है क्योंकि इसमें आपका क्या होता है? तो इसमें आपका बेहतर नवीन उसमें उत्पन्न होती हैं। तो मैंने 110 क्वेश्चन ले लिया है और इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचेंगे उसका पार्ट थर्ड बना दूंगा, ठीक है। और अगले पार्ट का भी मैं वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँगा। तो सभी पार्ट का यहाँ पर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पर आप हमें डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट में इन स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, हमसे डिस्कस और चैट दोनों कर सकते हैं। या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से हमसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और मोबाइल वाले किसी भी मोबाइल से प्रॉब्लम, कोई भी बेसिक जानकारी मोबाइल की एकदम कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर करके उस पर वीडियो बनवा सकते हैं हमसे, हम वीडियो उसका अपलोड कर देंगे अपने चैनल पर। लेकिन चैनल हमारा सेकंड चैनल है मास्टर मोबाइल टेक, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी पैसा लगने वाला नहीं है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए एक बार। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट जरूर कर देना और सारी प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिए। सभी प्लेलिस्ट न्यूमेरिकल कैलकुलेशन और बेसिक इंग्लिश लर्निंग सब है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।